रजनी। रजनी जी आप कहाँ से आई हैं? हम मंगोलपुरी से आई हूँ। मैंने 5 साल होमगार्ड में ड्यूटी की है। ये 5 साल कराने के बाद हमें बाहर निकाल देते हैं, धक्के दे देते हैं। अब ये नई भर्ती निकाल रहे हैं, जब हम पुराने एक्स होमगार्ड इतने सारे बेरोजगार हैं, तो हमको कम से कम हमें वापस ले। हमें वापस लेने के बाद अगर आपको जरूरत पड़ती तो नई भर्ती निकाले, लेकिन पहले हमको तो वापस ले। हमने 5 साल ड्यूटी कर ली। हम सत्येंद्र जैन जी हमको हर बार आश्वासन दे देते हैं हम सैन कर देंगे। हमको 1.5 साल हो गया हमको यहाँ आते आते, लेकिन अभी तक हमारा कोई सलूशन नहीं हुआ है। हमारा कोई सलूशन करे। अगर हमें यहाँ से नहीं मिलती, हम और आगे जाएंगे, हम और वो करेंगे, आंदोलन करेंगे। हमें जहाँ तक जाना होगा, चाहे हम मर जाए, लेकिन हम करेंगे आगे जहाँ तक हमसे जाया जाएगा। 52 लेडीजों को जो वापस लिया है, उसी तरीके से हमें लिया जाए, नहीं तो हम किसी को नहीं होने देंगे। जब हमको नहीं ले रहे तो हम किसी को नहीं होने देंगे। 52 लेडीजों को किस लिए ले लेते हैं वो बार बार वापस? रजनी जी, जब आपको निकाला था, क्या आपको नोटिस दिया था या किसी तरीके से आपको कैसे निकाला गया? ये हमको कोई नोटिस नहीं देते, हमें ऐसे ही निकाल देते हैं। नई भर्ती करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, नई भर्ती करते हैं, 50,000 रुपए इस वजह से नई भर्ती निकालते हैं। जब हमने ट्रेनिंग कर रखी है, ट्रेनिंग के पैसे इनके बचेंगे, हर चीज के पैसे इनके बचेंगे, तो ये हम क्यों नहीं वापस लेते? अभी जो महिला है, जो होमगार्ड के अंदर आपने बोला कि कुछ महिलाओं को वापस ले लिया है, उनको किस शर्त पे वापस लिया है? ये हमें पता नहीं किस शर्त पे वापस लिया, लेकिन जब उन्होंने 52 लेडीज कोई ट्रेनिंग नहीं ली, कोई उनका कोई कुछ नहीं है, उनकी कोई शर्त नहीं है, डायरेक्ट उनको ले लिया है, तो हमें क्यों नहीं ले रहे? जब हमने इतने सारे होमगार्ड हमारे बेरोजगार बैठे, तो हमें भी तो वापस ले। हमें क्यों नहीं वापस ले रहे? हमें जो करना होगा हम आगे तक जाएंगे, हमें जहाँ तक जगह मिलेगी, हम जहाँ तक पहुँचेंगे हम पहुँचेंगे।